हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हल्दी के पौधों की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ, जो आपसे शेयर करूँगी। जो प्लांट्स गार्डन में इतनी हरियाली बिखेर रहे थे, वो अचानक से पीले पड़ने लगे हैं पत्ते, क्योंकि उनकी हल्दी हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गई है। तो यही साइन होता है कि अब इन्हें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, और हार्वेस्ट करने से 8 से 10 दिन पहले ही इसका पानी हमें रोक देना चाहिए। और आज लंबे इंतज़ार और एक्साइटमेंट के साथ हम इस ऑर्गेनिक हल्दी को हार्वेस्ट करेंगे। तो देखते हैं आज हमें इसमें से कितनी हल्दी हार्वेस्ट करने को मिलती है। मैंने इस क्रेट में 2 से 3 गांठ हल्दी की लगाई थी। अब देखते हैं इसमें से हमें कितनी हल्दी मिलेगी। और इसके लिए हमने बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी सैंडी सोयल का यूज़ किया था, जिसमें रेत की मात्रा को हमने मिट्टी और खाद से थोड़ा सा ज़्यादा रखा, जो कि सभी जड़ वाली सब्जियों में किया जाता है, ताकि कंद का साइज़ हमें बड़ा मिल सके। देखिए हमें कितनी अच्छी हल्दी मिली है, मोटे मोटे साइज़ की, और एक ही पॉट में से हमें काफ़ी अच्छी हल्दी मिल रही है। यहाँ मैंने सारी हल्दी को पानी में से धो लिया है, इसकी मिट्टी को। देखिए कितनी सुंदर हमें हल्दी मिली है, गोल्डन कलर की, बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में, और हमारी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही मिली है हल्दी। सिर्फ 3 गांठ मैंने हल्दी की इसमें लगाई थी, और हमें करीब 30 से भी ज़्यादा गांठें मिल गई हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इस गमले को ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पूरे दिन की धूप आती थी, और पानी मैंने इसकी मिट्टी पूरी तरह सूखने पर ही दिया था। अब हम इस हल्दी को अगर पाउडर बनाना चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए उबालकर और छीलकर छोटे छोटे पीस करके हम धूप में सुखा देंगे 1 से 2 दिन के लिए, और फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। हम इनका अचार बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, और दूध में भी उबालकर पी सकते हैं। और हल्दी एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होती है, और साथ ही इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जो हमें दर्द और सूजन से राहत देते हैं। तो हम इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें हल्दी के इतने सुंदर पौधे खोने का दुख भी है, और साथ ही हमें इतनी ढेर सारी हल्दी मिलने की खुशी भी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।